हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और आपका हमारे चैनल एग्जाम ट्रैकर पे स्वागत है। पिछली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसमें आवाज़ सही नहीं आ रही थी, तो उसको हम जल्दी सही कराते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अभी आपका नाउन चल रहा है, आज नाउन का पार्ट थ्री चल रहा है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के जो कुछ ग्रामर के रूल्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसपे कि क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको बताया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको यहां पे मैं टॉपिक पढ़ाऊं, जिस दिन जिस तरह का भी आपको रूल्स बताया जा रहा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसमें से जो भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में बनते हैं वो आप हल कर सकें। इसलिए हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए है, जैसा कि आज ही विज्ञप्ति आई है जिसमें कि आपके एसएससी के स्टेनो, सीएचएसएल और आपका ग्रेजुएट लेवल, इन सब के अलग अलग एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंफॉर्मेशन है और वो यही इंफॉर्मेशन है कि अब आपको हम एक दो दिन में इन्फॉर्म कर देंगे समय के बारे में। रेगुलर आपका प्रैक्टिस बैच विद सॉल्यूशन यहां क्लास में ही डिस्कस किया जाएगा, जिसमें कि एसएससी के अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और साथ में मॉडल पेपर्स यहां पे हम क्लास में डिस्कस करेंगे और वो रेगुलर चलेगा। और ये जो आपके ग्रामर और वर्ड पार की क्लासेस हैं, ये आपकी अल्टरनेट हो जाएंगी। जैसे आज ग्रामर है तो कल वर्ड पार है, इस तरह से अल्टरनेट ये चलेगी। और जो आपका प्रैक्टिस बैच विद सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज, ये जो क्लास है वो पर डे रेगुलर चलेगी, एक स्पेसिफिक टाइम पे उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। चले हम शुरू करते हैं। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? इंग्लिश में वो नाउन जिसे कि ये माना जाता है कि ये गिना नहीं जा सकता। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप वाटर से इसको रिलेट कर दें, ठीक है? अब वाटर से रिलेट करने के लिए हम क्यों कह रहे हैं, जैसे पानी गिना नहीं जा सकता है, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के आधार पर इसके रूल्स चलेंगे। जैसे अगर आपने कहा कि मेरे पास एक पानी है, एक वाटर है, कोई मतलब नहीं है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरे पास एक ग्लास पानी है, एक बॉटल पानी है। तो अगर आप उसके साथ ग्लास या बॉटल लगा दोगे तब तो ए लिख सकते हो। हां, अगर आप ए या एन हटा देते हैं तो भी सही है, मेरे पास पानी है। बिल्कुल उसी तरह से आप देखें, पहले हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने ग्रुपिंग कर दी है, मैंने बोला है ना कि बिल्कुल अलग ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ट्रेडिशनली मैकेनिकल ढंग से आप पढ़ते रहे। आपको जैसा पता ही है कि पिछले 25 ईयर से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और ऐसे में जो भी बच्चे सिलेक्शन पाए हैं उनको मैंने एक नए अप्रोच के साथ पढ़ाया है। और यही कारण रहा कि इन 25 सालों में, आप में से तो तमाम की 25 साल एज भी नहीं होगी या कुछ ने एज अटेन की होगी, तो ऐसे में जो भी नए ट्रेंड बदलते गए आपके एग्जाम्स के, चाहे एनडीए सीरियस, चाहे एसएससी बैंक, हर एग्जाम्स के जो ट्रेंड बदलते गए, बिल्कुल उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं आपको एक नए अप्रोच के साथ पढ़ाया हूं। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारी क्लासेस करते रहें और आप खुद ही देखेंगे। देखिए, पहले ग्रुप में मैंने डाला है जिसके अंत में सब में आर वाई आ रहा है, ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं।
जैसे सीनरी, सीनरी मींस क्या होता है, सीनरी मींस होता है दृश्य। जैसे मशीनरी, मशीनरी क्या होता है, जो भी मशीन का सामान होता है वह क्या होता है, मशीनरी। अच्छा यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर सीन्स हो तो सीन और सीन्स दोनों सही है, सीन और सीन्स दोनों सही है। जैसे ही हैज अ सीन, ही गॉट मेनी सीन्स, दोनों ही सेंटेंस सही है। इसी तरह से अगर मशीन है तो मशीन्स भी सही है और मशीन भी सही है, लेकिन उस सीन और उस मशीन को इससे रिलेट मत करिएगा। सीनरी क्या होता है, एक दृश्य, जितने भी देखने की चीजें हैं, देखने का जो सामान है वो सब सीनरी में आ गया। मशीनरी मशीन का सामान, स्टेशनरी कॉपी किताब का सामान, पोएट्री। अब यहां पे फिर वही बात कि पोयम और पोयम्स वो हो सकता है, लेकिन पोयम काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, सीन काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, मशीन काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, लेकिन सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होगा, मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होगा, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्रॉकरी बर्तन का सामान, फिर ज्वेलरी आपका जो आभूषण के सामान, ये ज्वेलरी है। अच्छा इसको ज्वेलरी भी कुछ लोग बोलते हैं और ज्वेलरी भी कहते हैं, दोनों ही सही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इनमें सब में आर वाई आया है, ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। मोटे तौर पे आप समझो, अभी एग्जांपल आगे देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर्स नहीं वाटर होता है, उसी तरह से ये सारे नाउन सामान्य तौर पे सिंगुलर फॉर्म में होंगे, और अगर ये सब्जेक्ट की जगह लिखे जाते हैं तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे अगर कहा जाए द सीनरीज आर मार्वेलस, ये गलत है। अभी आगे एग्जांपल्स हैं, यहां पे क्या बोल देंगे आप, यहां पे लिख देंगे सीनरी, सीनरीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा सीनरी, और ये आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इज। तो आप कहोगे द सीनरी इज मार्वेलस, द सीनरीज आर मार्वेलस नहीं, द सीनरी इज मार्वेलस। लेकिन वही अगर सीन्स हो तो दोनों ही सही है, द सीन इज मार्वेलस और द सीन्स आर मार्वेलस, ये दोनों ही सही है। अब आगे देखते हैं, मशीनरी स्टेशनरी ये सब हो गया। अब आगे बी वाले में आप देख रहे हैं सब में ज लगा हुआ है, जैसे बैगेज, पोस्टेज, लगेज, ये सब सामानी तो हैं। बैगेज क्या होता है, जो भी आपने बैग में भरा सामान लेके चले गए, बैग और सामान मिलके बैगेज होता है। पोस्टेज क्या होता है, जो आपके पोस्टल के सामान होते हैं, पोस्ट के साथ आए हुए सामान होते हैं वो पोस्टेज होते हैं। लगेज ये भी एक सामान है, तो ये सब सामान की कैटेगरी में आ गया, बैगेज पोस्टेज लगेज। तो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा, पहले में आर वाई और दूसरे में सब में अंत में ज शब्द आया, जी शब्द आया है। अच्छा पहले वाले ग्रुप में जो पोएट्री है, जैसे मैंने बताया ही, जैसे आई हैव लर्न्ड मेनी पोएट्रीज, ये गलत है, आई हैव लर्न्ड मच पोएट्री, अभी आपको आ जाएगा लेकिन जो पोएम है, अच्छा आप इसे तमाम लोग पोएम बोलते हैं, बोला जाता है पोएम, तो जो पोएम है वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन पोएट्री हमेशा सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कहा जाए दीज पोएट्रीज आर वेरी नाइस, गलत।
आप कहोगे दिस पोएट्री इज वेरी नाइस। अब दिस क्यों आ गया? क्योंकि आप जानते हो कि सिंगुलर के साथ दिस आता है और प्लूरल के साथ दीज आता है। हां, जैसे कहा जाए दीज पोएट्रीज आर नाइस, ये गलत है। आप क्या बोलेंगे? दिस, चूंकि पोएट्री होता है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, दिस पोएट्री इज नाइस। लेकिन दीज पोएम्स आर नाइस, ये सही है। दीज पोएम्स आर नाइस, चाहे दिस पोएम का हो चाहे दीज पोएम्स का हो, दोनों ही सही है। तो इस तरह से पहले के बारे में बताया। अब देखिए बैगेज पोस्टेज लगेज बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। सी कैटेगरी में इसके अलावा है जैसे फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है? जो भी आपके लकड़ी के सामान होते हैं वो सब फर्नीचर होता है। वो अलग की बात है कि आजकल लोहे का और स्टूल का फर्नीचर आने लगा है, लेकिन बेसिकली ये जो है जो लकड़ी के सामान होते थे वो फर्नीचर कहलाते थे। एडवाइस, सलाह, इंग्लिश में एडवाइस को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इंफॉर्मेशन ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। फिल्थ, गंदगी, भाई गंदगी तो गिन नहीं सकते। ब्रेड, देखो ब्रेड जो है आप ब्रेड नहीं खाते हो, ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हो, ब्रेड इतना बड़ा बड़ा बनता है, उसके स्लाइस या उसके लोफ ये बनाए जाते हैं तब वो खाते हो, तो ये कारण है। स्टोन, हेयर, ये सारे के सारे जो है आपके अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। तो पहले में कोई दिक्कत नहीं होगी आर वाई, दूसरे में जब, और ये थोड़े से अलग टाइप के हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पे हम टिक कर देते हैं, जैसे सीनरी पूछा गया है, स्टेशनरी पूछा गया है, पोएट्री पूछा गया है, लगेज पूछा गया है, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, और फिल्थ पे काम कर लेना, हेयर पे काम कर लेना, ये है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, ये गलत है। आई हैव मच वर्क टू डू, ठीक है। मच क्यों आया? क्योंकि जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे मेनी वाटर नहीं कहा जाएगा। अभी आप देखोगे आप क्या बोलोगे? मच वाटर। लेकिन जब इसको आप किसी की कृतियां हो, जो राइटिंग्स होती हैं, वहां पे वर्क्स होता है। जैसे कि आई हैव लर्नड दीज वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर के इन कृतियों को पढ़ा है। तो जहां पे ये कृतियां हो गया वहां वर्क्स होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी टॉपिक लूंगा, जो भी पॉइंट लूंगा, उसको इस तरह से पढ़ाऊंगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। आप रेगुलर वीडियोस देखें, हम ऐसा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट करें, फिर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अब हम आगे देखते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया उसी के कुछ रूल हैं। दिया है कि the uncountable nouns are generally in singular form and take singular verbs। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो uncountable noun हैं वो आपके गिने नहीं जा सकते, तो वो singular form में होंगे। बिल्कुल पानी से रिलेट कर लो, और जब singular form में होंगे वो भी singular होगा। जैसे the sceneries are idyllic, idyllic means आकर्षक, ये बिल्कुल गलत है। आप क्या बोलोगे? द सीनरी इज इडलिक, जो सीनरी है वो आकर्षक है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहा, सिंगुलर फॉर्म में रहा, और वर्ब भी सिंगुलर। पहला गलत, बाद वाला सही। जैसे द फर्नीचर्स आर ओल्ड,
इंग्लिश में फर्नीचर को अनकाउंटेबल मानते हैं, तो फर्नीचर हो जाएगा और वह भी क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, द फर्नीचर इज ओल्ड, द इंफॉर्मेशंस आर ट्रू, जो सूचना है वो सही है। इंग्लिश में इंफॉर्मेशन को सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। आप बोलोगे द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन की हमने आपको लिस्ट दी, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। आगे अब देखें, दियर सिंस दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल दे डू नॉट टेक मेनी बिफोर इट। अब आप जानते हो ना, कभी मेनी वाटर थोड़ी बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मच, तो ये अनकाउंटेबल है तो मेनी नहीं होगा, क्या होगा, मच। एंड दे टेक एंड दीज नाउन्स, सिंस दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल दे डू नॉट टेक मेनी बिफोर इट, दे टेक, दे टेक मच, ये क्या लेते हैं, मतलब इनके साथ मच होता है। एंड दीज नाउन्स रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म, और ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही बने रहेंगे, कभी वाटर्स तो नहीं होगा। अब देखिए कैसे, आई हैव मेनी ब्रेड्स, तो बेटा ब्रेड्स जो है ये बहुत बड़ा होता है, तो आई हैव मेनी ब्रेड्स नहीं होगा, आप क्या बोलोगे, आई हैव मच ब्रेड, अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव मेनी वाटर्स नहीं कहोगे, कहोगे ना आई हैव मच वाटर, तो आई हैव मच ब्रेड। He gave me many furnitures. He gave me many furnitures. ये गलत है, He gave me much furniture. Much होगा और इस ये भी जो uncountable noun है singular form में आएगा। अब आगे देखते हैं, लेकिन ध्यान दें, जैसा अभी अभी मैंने बोला कि many water नहीं होगा, much water होगा, लेकिन many लगाकर काउंटेबल वाले शब्द, काउंटेबल नाउन बनाने वाले का शब्द कर दिए तो मेनी लग सकता है। जैसे आई हैव मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि ग्लास को गिना जा सकता है, वाटर को नहीं गिना जा सकता। इसीलिए अगर इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर आपने मेनी लगाया है तो अगर काउंटेबल बनाने वाले शब्द साथ में जोड़ दो तो सही है, वही लिखा ना, बट दीज नाउन्स कैन टेक मेनी टू, मेनी भी अपने साथ ले सकते हैं, एंड एज सच ऐसे में काउंटेबल टेकिंग वर्ड्स जो काउंटेबल बनाने वाले, नॉट काउंटेबल टेकिंग बट काउंटेबल मेकिंग, काउंटेबल मेकिंग वर्ड्स एज स्लाइसेस, काउंटेबल बनाने वाले शब्द जैसे स्लाइसेस ऑफ बेसिकली ब्रेड के साथ, अच्छा ब्रेड के साथ जो है लोब्स भी कह सकते हैं, केक्स ऑफ जो साबुन की टिक्कियां होती है ना उसको केक बोलते हैं, तो अगर आपने मेनी यूज किया है तो केक्स ऑफ, आइटम्स ऑफ जैसे फर्नीचर वगैरह के साथ, आर्टिकल्स ऑफ जैसे ज्वेलरी के साथ, पीसेज ऑफ सभी के साथ आर एडेड, ये जोड़े जाते हैं। कहने का क्या मतलब, अभी इसके पहले हमने बोला कि मेनी नहीं लगाया जाता, मच लगाया जाता है, लेकिन मेनी लगा सकते हो अगर आपने काउंटेबल बनाने वाले शब्दों को इनके साथ जोड़ दिया, जैसे मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर हो सकता है, मेनी वाटर्स नहीं होगा, मच वाटर होगा, लेकिन मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर। इसी तरह से देखिएगा, आई हैव मच ज्वेलरीज, बिल्कुल गलत है, हां I have much jewelry सही है, I have much jewelry सही है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये तो uncountable noun होगा, लेकिन आप many भी लगा सकते हैं, और अगर आपने many लगाया, अच्छा much के साथ ये गलत क्यों था, much तो सही था, ये गलत इसलिए था क्योंकि jewelry आ गया है हाँ? अच्छा ये question आपको, मतलब ये point और clear हो जाएगा अगर हम कुछ ऐसा कर दें। अब हम यहां पे
मेरे कर देते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखें, आई हैव मेनी ज्वेलरीज, ये गलत है। आई हैव मच ज्वेलरी, मच ज्वेलरी, ज्वेलरी ज्वेलरी रहेगा। हां, अगर आपने मेनी लगाया है तो फिर काउंटेबल बनाने वाला शब्द भी आपको जोड़ना होगा। आई हैव मेनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास ज्वेलरी के अनेक आर्टिकल्स हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स देखें। ही गेव मी मेनी ब्रेड्स, उसने मुझे मेनी ब्रेड्स, ऐसा नहीं होगा। आप क्या बोलोगे? ही गेव मी मच ब्रेड, ही गेव मी मच ब्रेड, ये सही है। अच्छा, एक चीज और देखें कि अगर मच लगा रहे हैं चाहे मेनी लगा रहे हैं, जो नाउन है ना वो सिंगुलर फॉर्म ही आ रहा है। हां, इसे आप ऐसे भी सही कह सकते हैं, ही गेव मी मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और स्लाइसेस की जगह लोब्स भी कह सकते हो, ये लोब्स का प्लूरल है। लोब क्या होता है? जो पाव रोटी बनती है ना वो लोब कहलाती है। स्लाइस क्या होती है? जो ऐसे ऐसे टुकड़े में होती है ये। अब देखें, If any numeral is placed before any uncountable noun, these additional words should also be written. बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोई numeral लिखते हैं इन uncountable noun के पहले, जैसे 1, 2, 3, तो जैसे many है, many के साथ additional word लगा रहे हैं, तो 1, 2, 3 के साथ भी लगाएंगे। कभी आप कहोगे क्या कि I have a water, I have a water, तो करोगे नहीं ना। आप बोलोगे आई हैव वॉटर, आप बोलोगे आई हैव वॉटर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आई हैव अ ग्लास ऑफ वॉटर, है ना। तो बिल्कुल वही चीज कह रहे हैं कि इफ एनी न्यूमरल इज प्लेस्ड बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन, अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आप न्यूमरल यानी कोई संख्या लिखते हैं, तो दीज एडिशनल वर्ड्स शुड ऑल्सो बी रिटन, ये एडिशनल वर्ड लिखे जाने चाहिए। जैसे ही गेव मी अ स्टेशनरी, स्टेशनरी के पहले ए आ गया ना, ही गेव मी स्टेशनरी तो सही है, जैसे ही गेव मी वाटर, लेकिन जैसे ही गेव मी आ वाटर गलत है, उसी तरह से ही गेव मी अ स्टेशनरी गलत है, क्योंकि स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप बोलोगे ही गेव मी अ पीस ऑफ स्टेशनरी। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर होता ही गेव मी टू स्टेशनरीज, तो पहली तो गलती स्टेशनरीज कभी नहीं होगा। अब चूंकि टू है, तब ए है तो पीस ऑफ, टू है तो पीसेस ऑफ, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आए हुए हैं, इन सबको ध्यान दीजिएगा। कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। आप इंडिया में कहीं भी पढ़े, किसी भी टीचर से पढ़े, पहली बात जितने भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपके फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे जितने भी पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम टीचर्स हैं वो सब मेरे से जूनियर हैं। हो सकता है एक दो टीचर मेरे उम्र के पढ़ा रहे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं रिटायर होके बस ये पढ़ाना शुरू किया हूं। मेरी आप फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हैं, राजीव पाठक क्लासेस, इंग्लिश राजीव पाठक, ठाकुर द्वारा राजीव पाठक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, और उस पर आप डाल सकते हैं अपना कमेंट, आप उस पे डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये टीचर कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इंडिया में जितने भी फेसबुक या यूट्यूब पे टीचर्स हैं, बहुत इक्के दुक्के होंगे जो मेरे अनुभव के टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप इस बात को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, आप कहीं भी पढ़ चुके हो, आप मेरे साथ जुड़े, मेरी क्लासेस करें, हर पॉइंट को डिटेल में इलैबोरेट करके आपको बताया जाएगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक चीजों को देखें। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एक दो साल का जो समय रहा ना, बड़ा उथल फुथल का रहा है। यहां ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि जेन्युइन कौन है, जेन्युइन मीन्स जेन्युइन जिसको आप बोलते हो, और फेक कौन है। यहां पे तो वो हालत है कि जो ह्यूमैनिटीज के टीचर्स हैं, नए नए लड़के जो 11th 12th पढ़ रहे हैं, वो 12th को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो
उसका भी मायने होता है कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा आपके साथ है, आपके सामने है, और वो बंदा जो कि 25 सालों से आपके इस एजुकेशन के फील्ड में जुड़ा है, वो भी इलाहाबाद दिल्ली जो कि एक पिलर है कॉम्पिटिटिव क्लासेस के, उन दोनों पिलर्स को मैंने संभाला इन 25 सालों में, ठीक है। और अभी हाल में तो दिल्ली, उत्तराखंड, काशीपुर और एक ठाकुरद्वारा एक जगह है जो कि एसएससी के हब के रूप में उभर रहा है, उन सारी जगहों पे अभी पिछले सेशंस में मैंने अपनी सर्विसेज दी, करियर लॉन्चर और भी जो बड़े बड़े ब्रांड है उसको क्या बोलूं, उन सब में हमने अपनी सर्विसेज दी, अपनी खुद की जो कोचिंग थी वहां पे पढ़ाया। तो आपको एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होगी, आपको एक्सपोजर की कोई कमी नहीं होगी, और क्वेश्चन के स्ट्रेंथ से पूछे जा रहे हैं उसमें भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप ईमानदारी पूर्वक पूरा विश्वास देके मेरे साथ जुड़े। अच्छा अब देखिए, हेयर का जो केस है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है। जब हेयर को एक साथ बताया जाता है तो वो सिंगलर फॉर्म में आएगा, जैसे माय हेयर्स आर ब्लैक, गलत है, माय हेयर इज ब्लैक, मेरा बाल काला है। हिंदी में भी तो जान जाओगे ना, मेरा बाल काला है। लेकिन अगर हेयर का अलग अलग बताया जाए, अच्छा एक चीज और है कि ग्रामर के रूल्स आपको रटने नहीं है, मैं आपको हिंट देता रहूंगा और बिल्कुल हिंदी की तरह आप डे टू डे लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ की जो तमाम प्रैक्टिकल अप्रोच हैं, उन्हीं से आपको इंग्लिश का पूरा ग्रामर कंप्लीट करा दिया जाएगा। वैसे ही वो कैब है, वो कैब को हर एस्पेक्ट को लेकर आपको करा दिया जाएगा। तो बस आप मेरे से जुड़े और कॉन्फिडेंस मेरे पे रखें, फिर आप देखना। तो वही बताया कि अगर हेयर की एक क्वालिटी को बताया जाता है, सामूहिक रूप से बताया जाता है, तो वो सिंगलर में रहेगा, वह भी सिंगलर रहेगी, ये गलत है, हिज हेयर इज ब्लैक। अगर कहा जाए माई हेयर्स आर कर्ली, गलत है, आप क्या बोलोगे, माई हेयर इज कर्ली। लेकिन अगर बाल के अलग अलग रंग बताए जाए, हिंदी में देखो ना, मेरे बाल, मेरा बाल घुंघराला है, लेकिन मेरे बाल सफेद और काले हैं, मेरे बाल, मेरा बाल नहीं, मेरे बाल सफेद और काले हैं, यानी कि अलग अलग रंग हो गया, तो चूंकि बालों तो बोला नहीं जाता है, मेरा से आप समझ सकते हैं कि प्लूरल हो गया और है शब्द आ गया। तो बिल्कुल वही, अगर बाल के कलर से अलग अलग बता दिए जा रहे हैं तो हेयर प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड ग्रे, हिज हेयर्स आर 50,000 इन नंबर, यहां संख्या बताई जा रही है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, उसके बाद 50,000 संख्या में है। आई होप अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे और अनकाउंटेबल नाउन का जो कॉन्सेप्ट रहा वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।